ma'am. Hello everyone, how are you all? Ma'am. Hello ma'am, we are fine. Thank you. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine, Beta. Thank you and I welcome you in this session. Okay, friends, in this session, we will discuss the contest exercise from chapter number 4. Okay? Yes, ma'am. Yes, sir. आप लोग कोई मॉर्निंग में वीडियो देगा था जो कि किस रिलेटेड था हार्वेस्ट फेस्टिवल से रिलेटेड वे वीडियो था. पहले हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे उसके बाद आगे की टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. ओके क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे. यस सर. आई थिंक सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी अभी. यस मैम. ओके तो यहाँ पे हमने देखा हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में टॉपिक था. तो कैन यू टेल मी व्हेन वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति. शो मी हैंड. यस रवि. 14th जनवरी. 14th ऑफ जनवरी एवरी ईयर मीन हमेशा हर साल हम 14th जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं है ना. And yes, ma'am. What is the other name of this festival? What is the other name of this festival? Other name is क्या है राजस्थान में and पंजाब में इसको किस नाम से जानते हैं इस festival को किस name? Ma'am, Lohri. Lohri and लोहरी एंड माघी पंजाब में राजस्थान फेस्टिवल कहा जाता है. दिव्यांशी मैम राजस्थान में मकर संक्रांति इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है. काइट फेस्टिवल मैम. काइट फाइट काइट फेस्टिवल काइट फेस्टिवल काइट फेस्टिवल. एंड इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया में किस नेम से जानते हैं इसको. पोंगल. पोंगल. ओके पोंगल. नेक्स्ट आपका है व्हाट डू यू नो अबाउट बैसाखी. व्हाट डू यू नो अबाउट अबाउट द फेस्टिवल बैसाखी. कनीज चल आपने पूरा वीडियो देखा नहीं था इसलिए आंसर नहीं दे पा रही है. What do you know about the festival Baisakhi? Where we celebrate this festival? किसी को नहीं बता रहा. अंकुर यू टेल. सोनाक्षी यू टेल बेटा. सोनाक्षी Yes, ma'am. Tell. Ma'am, question bataiye. What do you know about the festival Baisakhi? Tell beta, beta, sir ka mic off rakhenge. Jisse hum puchenge uski ka mic on hona chahiye. Divyanshi, tell beta. Sir, kisi ne bhi nahi. Abhi main sabko yahan se remove karti hu. Sabhi log pura video dekho. Uske baad session join karenge. It is celebrated in April and mark of Baisakhi is a popular harvest festival and it is celebrated in Punjab and other North Indian states. है ना? समझ में आया? Yes, ma'am. Sir. Next है Onam. Onam. Which state is famous for this festival? कहाँ पे मनाया जाता है ये festival? What? हाँ? आरव? I'm Kerala. Kerala. Yes. Kerala. I'm Kerala. Great enthusiasm in thy state Kerala, है ना? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.
आपके जो भी हमने टॉप एक्सरसाइज पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड आल्सो कुकिंग एटेंसिव इस पर रिटर्न परसेंट डिस्कस जितने भी किया होगा एक बार अपना मैच कर लेंगे और जितने भी नहीं किया है वो अपना क्वेश्चन फिर से समझ कर लेंगे ओके तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कहाँ से स्टार्ट होता है आई थिंक एक्सरसाइज नंबर Let us try page number 51 से है ना ये डिस्कस किया गया था वन मोर टाइम मैं डिस्कस कर रही हूँ सभी को सारे वर्क कंप्लीट करने हैं ओके फर्स्ट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ कुकिंग फूड ईच ऑफ दीज आइटम व्हाट इज द फर्स्ट फूड आइटम व्हाट इज द फर्स्ट फूड आइटम गरिमा गरिमा ऑन द माइक बेटा वीडियो ऑन करिए अपना कोई वीडियो ऑफ नहीं करे फर्स्ट पिक्चर विच फूड आइटम इज इट राइस राइस का कुकिंग मेथड क्या है क्या राइस करेंगे यहाँ पे बॉइलिंग स्पेलिंग ऑफ बॉइलिंग राशी ऑन द माइक राशी ऑन द माइक बेटा आपसे पूछ रही हूँ आप सुनी दे रही है बॉइलिंग स्पेलिंग बेटा आप क्या सुनिए आप चाहती है आप लोग ऐसे जगह बैठा करो जहाँ से आस पास से कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो ध्यान से यूज कर बेटा ऑन द माइक B-O-I-L-I-N-G, boiling. B-O-I-L-I-N-G, boiling. Yes, good. Look at the next picture, samosa. What is the cooking method of samosa? I'm frying. Frying. Richard, spelling of frying. On the mic, Richard. महक यू कैन स्पेलिंग ऑफ फ्राइंग बेटा ऐसे करेंगे तो वर्क कर नहीं पाएंगे सभी को करके सबमिट करना है वर्क किसी का भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए सिर्फ दिव्यांशी हैंड तो कर रही वर्क Ravi, you tell spelling of frying. Ravi. F-R-Y-I-N-G. Good. F-R-Y-I-N-G. Frying. Spelling it, Ravi? Yes, ma'am. Ma'am. Is bread. What is the cooking method of bread? Mahima, khulne ke liye. Ma'am, baking. बिल्कुल सही तरह उसका चल नहीं पाता है बेकिंग के लिए बेकिंग का कुकिंग मेथड क्या है बेकिंग की स्पेलिंग जो होगी वो विल टेल मी महक अब बिल्कुल नहीं बोल रही है कनीज टेल ऑन द माइक कनीज ऑन द माइक बेटा Yes. Ma'am, B-A-K-I-N-G. Good. B-A-K-I-N-G. Baking method से हम bread बनाते हैं. Okay. Next है paneer tikka. Paneer tikka में हम क्या rice करेंगे? What is the method of cooking paneer tikka? Roasting. आजकल बेटा
बेटा अभी आप भी लेट हो, अभी मैं टेबल से रिमूव करूंगी आपको। टाइम से ज्वाइन किया करिए, आपकी क्लास की टाइम 3:00 है और आप 10 मिनट पहले ही 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया करिए। गरिमा यूज द स्पेलिंग ऑफ रूट थिंग। गरिमा आई एम आस्किंग टू यू स्पेलिंग ऑफ रूट थिंग करिए बेटा। ROSTING roasting. ROASTING okay. Aanchal on the mic. Spelling of roasting. ROASTING roasting. Yes, good. Next, अब देखिए एक question का answer आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर टू, यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। गिव टू एग्जांपल ऑफ बेकिंग बेक्ड फूड आइटम। गिव टू एग्जांपल ऑफ बेक्ड फूड आइटम। तो आप स्टार्ट करेंगे राइट कर आंसर पे नोट करेंगे क्वेश्चन में, सॉरी नोटबुक में पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आंसर एग्जाम्पल ऑफ द टू एग्जाम्पल्स ऑफ बेक्ड फूड आइटम क्या होंगे। गूगल टेल मी बेक्ड फूड आइटम बेकिंग मेथड से पकाया जाता है। ब्रेड एंड बिस्किट। व्हाट? ब्रेड एंड बिस्किट गुड कर सकते हैं। द ब्रांसी यू टेल मैम। मैम केक एंड ब्रेड। केक एंड ब्रेड ब्रेड मैम जैम नहीं। ओके तो सब ने कभी कोई प्रॉब्लम? No ma'am. Next, now fill in the blanks. आपको नोटबुक में ही फिल इन द ब्लैंक्स में। एंड ओवन इज यूज्ड फॉर कुक। कुक यस। एंड ओवन इज यूज्ड फॉर फूड। ओके अ फ्लैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपाती। यहाँ पे क्या होगा? मैम तवा। अपनी बुक फ्लैट तवा। यस तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम? तवा। फ्लैट तवा। फ्लैट तवा। स्पेलिंग ऑफ तवा राशि ऑन द माइक। मैम CAVA तवा। ओके कर लेंगे सभी? यस मैम। यस मैम फिर से सेंड करने हैं ठीक है? आप करके रखिएगा कल मॉर्निंग में 10:00 से सभी के सारे होमवर्क की फोटो आनी चाहिए। ओके जो भी डिस्कस किया जा रहा है। यस मैम। हैव टू बी कुक्ड ईटिंग। खाने से पहले इनको कुक करना चाहिए। क्या है वो मैम? ब्रेड। फूड हैव टू बी यहाँ पे फूड food and food cook before eating hai na? Yes ma'am. Yes ma'am. Next after cooker is used for rice and meat. Kya rice hai yahan pe? A pressure cooker is used for boiling. Cooking ka method yahan pe kuch write karna hai na? Kis method se pressure cooker ka use kis purpose ke liye kiya jata hai? Boiling. Yes, so यहाँ पे क्या करेंगे? Boiling. BOILING. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आई थिंक ये लेटर फाइव का सारे एक्सरसाइज समझ में आ गया सभी को, कर लेंगे इजिली। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पता है पैन वी यूज फॉर द कुकर एट नाइट। क्वेश्चन नोट करेंगे आंसर लिखेंगे। कैन वी
specify your answer. क्या हम polar cooker का use नहीं कर सकते हैं? No. Answer कैसे write करेंगे? Who will tell me? इस question का answer कैसे write करेंगे? Hand. Yes, Sonakshi, tell. Yes, can be used. Yes. No, ma'am. आप भी solar cooker use करेंगी? Night में भी? No, ma'am. Ma'am, cannot be used solar cooker. No, we cannot. क्या राइट करेंगे? सभी लोग राइट कर लीजिए. No, we cannot use solar cooker at night. No, we cannot use solar cooker at night. Write kiya? First sentence tumne write kiya? Yes, ma'am. No, yes, ma'am. Solar cooker at night. इतना हो गया तो नहीं ना? ये line आपको मैंने उतार दूँ सर ने. Can yes, कर लेंगे. यहाँ पे no write करेंगे. No, we cannot कर लेंगे. No, we cannot use solar cooker at night because it needs solar energy. क्या चाहिए? Solar energy. S O L A R solar energy की spelling E N E R G Y energy. अभी लोग write कर रहे हैं ना? Principle. Yes. Energy की spelling. Solar energy. E N E R G Y. It needs solar energy to heat. इसको गर्म होने के लिए सोलर एनर्जी चाहिए है ना, सौर ऊर्जा चाहिए, सूरज की का प्रकाश चाहिए है ना? Yes, ma'am. It needs solar energy to heat. H-E-A-T, heat. Done? हम हीट की स्पेलिंग फिर से बोलिए. H E A T heat. Done. No, done. The second question. What are the disadvantages of using wood as a fuel? इस क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से नोटबुक में. हरी अप. You have 1 minute. जल्दी से नोट करिए. What are the disadvantages of using wood as a fuel? सभी करेंगे बेटा, सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए. सभी को देख रही हूँ. कोई भी अपना वीडियो ऑफ नहीं करेगा. अगर किसी का वीडियो ऑफ मिला तो मैं जिस सेशन से What are the क्वेश्चन बुक में है, यहाँ पे नोट है, नोट कर लीजिए इसको. What are the disadvantages of using wood as a fuel? Done? Up no, ma'am. Yes, ma'am. Disadvantages mean? Garima? बेटा डिसएडवांटेज मीन्स क्या होता है? नुकसान. ओके
Yes, ma'am. तो इससे अगर हम wood का use करते हैं as a fuel, ठीक है, तो इससे क्या disadvantages होंगे, क्या नुकसान होंगे, ठीक है, तो क्या इसका answer क्या लिखेंगे? हरिया लिखे ऐसा इस तरीके that disadvantages of using the ऐसा में write करेंगे the disadvantages of using them the disadvantages of using using wood as a fuel using wood as a fuel are using wood as a fuel are number one right three मैम राइट की एज अ फ्यूल आर हो गया. अब नंबर वन पे राइट करेंगे इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट बिकॉज इट क्रिएट स्मोक. इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. इट इज हार्मफुल for the environment e n v i r o n m e n t environment means vatavaran paryavaran. note kiya tha maine hand ko kar sakte hain just bolne ke liye hand ko kar sakte hain okay hum सिग्नल दे सकते हैं क्या कहते हैं एनवायरमेंट के बाद एनवायरमेंट के बाद बैठेंगे बिकॉज इट क्रिएट स्मोक. बिकॉज इट क्रिएट सी आर ई ए टी ई क्रिएट स्मोक. स्मोक मीन अचल स्मोक में ऑन द माइक अचल स्मोक है ना. यस सर. एंड नंबर सेकेंड राइट करिए इसी में नंबर सेकेंड देखिए यूजिंग वुड एज अ फ्यूल. यूजिंग वुड एज अ फ्यूल. यूजिंग वुड एज अ फ्यूल नोट किया था मैंने. यस मैम. Using wood as a fuel takes yes, much time for cooking. Ma'am. Take much time for cooking. Note kiya kabhi ne? Take much time for cooking. हो गया. यस मैम. सभी लोग निकाल लिया ना. यस मैम. चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. आ इज अ क्ले ओवन. व्हिच इज अ क्ले ओवन. थिंक मोहित यू टेल द आंसर. व्हिच इज अ क्ले ओवन. यहाँ पे क्या फिल अप करेंगे. क्ले मीन सी एल ए वाई क्ले. क्ले मीन मोहित मैं आपसे पूछती हूँ वीडियो ऑन करके माइक ऑन करके तुरंत आंसर दीजिए.
C-L-A-Y, clay. Clay means? ध्यान से सुनेंगे ये तो पता कैसे होगा? राखी यू टेल क्लेमी ऑन द माइक. Yeah, for right kills gems. Listen,
क्वेश्चन पे ही आंसर पहले स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे इट इज, वाई को कट कर देंगे, ऐसे लिखेंगे इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट कुक्ड फूड, इतना किया. फिर ऐसे करेंगे बिकॉज कुकिंग किल्स द जर्म, नोट करें सभी, हरी अप, लिसन केयरफुली बेटा. इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट कुक्ड फूड. सभी अपने माइक ऑफ रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे जो बताया जा रहा है. It is important to eat cooked food because cooking kills germs. आजकल फोन लेके दौड़िए मत, अदरवाइज आपको मुझे रिमूव करना पड़ेगा. सभी ने नोट कर लिया, cooking kills germs. And आगे भी राइट करिए, एंड इट इज बाद. चलो अच्छा, आपने राइट किया, इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट कुक्ड फूड बिकॉज कुकिंग किल्स जर्म, कुकिंग किल्स जर्म. कुकिंग किल्स जर्म्स किया बेटा. और नेक्स्ट है कितने, इट मेक्स फूड शॉर्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट. It makes the food, it makes the food soft, S-O-F-T, soft. कर लिया? बेटा माइक ऑन कर लिया? नहीं. हो गया? बेटा यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. Make the food soft and easy. E-A-S-Y, easy. सभी का आंसर मुझे, सभी की आंसर की फोटो आनी चाहिए ग्रुप पे. कोई बहाने नहीं, सभी को बोल के राइट करवाया जा रहा है, सभी को नोट करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा. ओके, एंड इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू डाइजेस्ट. डाइजेस्ट स्पेलिंग D-I G-E-S-T, digest, D-I-G-E-S-T, digest. हो गया? Yes, ma'am. तो इस क्वेश्चन का आंसर तुमने कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Look at the question number B. यहाँ पे क्या करना है? Name any four methods used for cooking food. तो very easy है. आपको कुकिंग के फोर मेथड राइट करना है. आप स्टार्ट करेंगे ऐसे, द फोर मेथड यूज्ड फॉर कुकिंग आर, ऐसे राइट करेंगे पहले, द फोर मेथड यूज्ड फॉर कुकिंग आर. कर लिया तुमने? यस मैम. फर्स्ट राइट करिए प्राइम, frying, F-R-I-N-G, frying. Next, baking, B-A-K-I-N-G, baking. हो गया? सभी ने किया? Yes, sir. Boiling, B-O-I-L-I-N-G, boiling. Done. And नेक्स्ट क्या करेंगे? या फिर बेकिंग कर सकते हैं, फ्राइंग, बॉइलिंग, बेकिंग या फिर रोस्टिंग. कर लिया? ओके ओके बेटा, तो ये सारी चीजें आप लोग कर लिए हैं, इसकी फोटो भी तुरंत सबमिट करेंगे ग्रुप में. ओके ठीक है, एंड बाकी एक्सरसाइज आप लोग कल करेंगे, ठीक है ना?
Chale, yes, goodbye everyone. Take care. Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye.